अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। आज 75 साल के बाद हम अंग्रेज़ों को ये इल्ज़ाम देते हैं कि वो हम पर हुकूमत करके चले गए, हमें ग़ुलामी की जंजीरों में कई सौ साल उन्होंने जकड़े रखा और हमारे हकूक़ छीन लिए, हमारी दौलत पर डाका डाला और ये कि जो है वो इस खित्ते को बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर असूली तौर पर देखा जाए और अगर इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो आज हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, वो सारे का सारा अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। उसकी एक मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि मैं इस वक्त एबटाबाद में मौजूद हूँ। हवेलियाँ यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर के फासले पर है। अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाई हवेलियाँ तक और वो वहाँ से चले गए। उस ज़माने में हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का नाम ही एबटाबाद था। उसके बाद 1947 से लेकर 2023 तक हम 12 किलोमीटर का टुकड़ा मज़ीद बनाकर हवेलियों को एबटाबाद से नहीं मिला सके। ये हमारी कारकर्दगी है। हमारे एक वज़ीर रेलवे थे पुराने, आजकल नहीं पहले थे, उनका ये दावा था कि हम चीन तक रेलवे लाइन बिछाएंगे। तो मैं हैरान हूँ कि जो हुकूमत या जो मुल्क या जो रियासत 12 किलोमीटर की रेलवे लाइन नहीं बिछा सकी, वो यहाँ से 750-800 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन कैसे बिछाएगी। एबटाबाद शहर अंग्रेज़ों ने आबाद किया, मिशनरी इदारे अंग्रेज़ों ने बनाए और यहाँ इस वक्त पाकिस्तान के क्या बल्कि शायद एशिया के सबसे बेहतरीन तालीमी इदारे एबटाबाद शहर में मौजूद हैं। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये एक चर्च है, सेंट ल्यूक्स चर्च, और ये सेंट ल्यूक्स चर्च भी अंग्रेज़ी दौर की यादगार है। लेकिन इसे ये एज़ाज़ हासिल है कि ये एबटाबाद का सबसे पहला चर्च था और है। जिस तरह हम मुसलमान अगर किसी बस्ती को आबाद करते हैं तो सबसे पहले मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाता है, मस्जिदें बनाई जाती हैं ताकि हम अपने अकीदे के मुताबिक वहाँ इबादत कर सकें। यही सूरत हाल अंग्रेज़ों के साथ थी। अंग्रेज़ों ने जब एबटाबाद को आबाद किया जेम्स एबट ने, तो जिन सबसे पहली इमारतों की बुनियाद रखी गई उनमें फ़ौज के लिए जो छावनियाँ थी या छावनी थी या बैरिक्स थी वो तो थी ही थी, लेकिन उसके बाद जो सबसे पहली बुनियाद रखी गई वो इस चर्च की रखी गई। ये इस चर्च को ये एजाज़ है कि ये एबटाबाद का सबसे पहला चर्च है। उस वक्त से लेकर आज दिन तक ये आबाद चला आ रहा है। यहाँ हर इतवार को इबादत भी होती है। हम ये चर्च दिखाने के लिए लाए हैं। 1864 में गालिबन ये चर्च बना था। इस तरह कोई 158 साल कदीम ये चर्च है। आइए आपको ये चर्च भी दिखाते हैं, क्योंकि ये तारीख़, मैं पहले भी अक्सर कहता होता हूँ, तारीख़ का कोई मज़हब नहीं होता, तारीख़ सिर्फ तारीख़ होती है। और ये नहीं कि ये मतलब ईसाइयों की इबादत का है, नहीं, ये हमारा विरसा है, ये हमारे वजूद का हिस्सा है। अगर हम इसे नुकसान पहुँचाते हैं या जो है वो इसकी तौकीर कम करते हैं, इबादत गाहों का एहतराम नहीं करते, तो इसका मतलब ये कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात की नफ़ी करते हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक शहर में बहुत अजीबोगरीब किस्म के फसादात हुए, जिन्हें हम मज़हबी फसादात का नाम देते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये वही ईसाई थे और हैं जिनके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक मुआहदा किया था, और वो मुआहदा सेंट कैथरीन की जो इबादतगाह है सीना पहाड़ के दामन में, वही कोहे सीना जहाँ हज़रत मूसा पर जो है वो तौरात नाजिल हुई और 10 अहकामात नाजिल हुए, उसमें आज भी वो मौजूद है। कुछ लोग उसे कहते हैं कि जी ये मुमकिन नहीं है कि सरकार दो आलम का पंजा जो है उस पर सब्त है। कुछ कहते हैं कि वो गलत है, कुछ कहते हैं सही है। लेकिन वो सही है या गलत, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये जो तारीखी विरसे हैं हमारे, यही हमारी विरासत है, इनकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और इनकी हिफाजत हमें करनी चाहिए। ये चर्च जैसा कि जो है वो ईसाई चर्च आमतौर पर स्लीप की शक्ल में बनाए जाते हैं, इसके ऊपर भी स्लीप नसब है, और इसकी तर्ज तामीर पूरी दुनिया में चर्चेस की एक ही तर्ज तामीर है, और वो है कि इन्हें स्लीप की शक्ल में बनाया जाता है। यह इसका बाहर का हिस्सा। आइए मेरे साथ
इसके केयर टेकर मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर दरवाज़ा खोल लें तो हम अंदर से भी जो है वो इसको दिखाएँ, आप देख सकें। और मेरी मतलब इसे बुरा ना मानिएगा, शायद हम उतने सफाई पसंद नहीं हैं जितनी हिफाजत से चर्च का इंतज़ाम किया जाता है। आइए आपको अंदर से चर्च दिखाते हैं। चर्च का अंदरूनी हिस्सा, आइए आपको जो है वो आगे तक जो है वो ले चलते हैं। बहुत तरतीब से बेंचेस लगी हुई हैं, कोई तख़सीस नहीं है कि किसी बड़े आदमी ने आगे बैठना है या किसी छोटे आदमी ने पीछे बैठना है। ये मज़हबी किताबें रखी हुई हैं और होली बाइबल, रूह की खुशी, ये यहाँ जो है वो बाकायदा लोग बैठते हैं, इबादत करते हैं, अपने अंदाज में उसी अल्लाह को याद करते हैं जो हमारा भी अल्लाह है। चर्चेस आमतौर पर जो एक रिवाज है वो ये कि बहुत ऊंची छतें बनाई जाती हैं। अक्सर व बेशतर जो मैंने चर्च देखे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनकी छतें अमूमन लकड़ी की होती हैं, इसी तरह की मेहराब होती है। इससे पहले भी मैंने एक चर्च का जो है वो मेरा ख्याल है क्राइस्ट चर्च, उसका मैंने ब्लॉग किया था, जो पिंडी का जो सबसे पुराना चर्च कहलाता है। मौसीकी आमतौर पर जो है वो गज़लुल गज़लात, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो आप उसे कह सकते हैं कि तरन्नुम से उन्हें पढ़ा जाता है। मरमूज़ भी मेरा ख्याल है उसे कहा जाता है। इसी के लिए ये हारमोनियम वगैरह जो है वो रखा हुआ है। ये वो रोस्ट्रम आप कह सकते हैं इसे, जहाँ से पास्टर जो है वो खिताब करते हैं और दर्स देते हैं। तो और वो दर्स जो है वो नहायत तवज्जो से सुना जाता है, नहायत मतलब अकीदत व एहतराम के साथ जो है वो यहाँ बैठा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम मसाजिद में करते हैं। शाहिद गौरी साहब इसके केयर टेकर भी हैं और ये मेरी मदद भी कर रहे हैं मुझे सारा कुछ बताने में। शाहिद साहब, ये अभी आपने बताया, अच्छा थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा क्योंकि माइक ये लगा हुआ है। हमारी इबादत का ये हिस्सा है, पास्टर हमारे जो होते हैं यहाँ पे इबादत के दौरान नील डाउन होते हैं। ओके। जो फिर वो रीडिंग होती है, जो भी है सिलसिला, वो यहाँ से करते हैं। उसके बाद वो सामने रोस्टम है बड़ा, जहाँ से वो बाकायदा आपके में हलवा आप खुतबा कहते हैं। जी खुतबा ही होता है। हाँ जी, आप खुतबा कहते हैं, हम बल्कि यूँ कह लें कि वाज कहते हैं। वाज कहते हैं, वाज। जी ठीक, ज़्यादातर सरमन कहा जाता है। ओके जी, वो वाज वहाँ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से बाकायदा इबादत को लीड किया जाता है। ठीक है, वो लीड कौन करता है? वो पास्टर साहब ही करते हैं। अच्छा, पास्टर साहब ही करते हैं, वही यहाँ के प्रीस्ट इंचार्ज हैं। ठीक है, उन्हीं के अंडर ये सारा सिलसिला होता है। सही, और ये जो निशान लगे हुए ये क्या चीज़ है? ये पाइप आर्गन है। अच्छा, ये पाइप आर्गन, ये पाइप आर्गन है, ये डैमेज हो चुका है। अच्छा, ये कुछ 50-60 साल पहले यहाँ चर्च में चोरी हुई थी। ओहो, क्रॉस में काफ़ी कीमती डैमेज। अच्छा, हम समझते थे सिर्फ लोग मस्जिदों के पंखे चुराते हैं। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, दरअसल वो सामने क्रॉस आपको नज़र आएगी, वो सामने बहुत कीमती डायमंड थे, 5 कलर के। अच्छा 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 अच्छा, मैं नज़दीक जाके दिखा सकता हूँ? यहाँ तक आप जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक जा सकते, बस जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक मुझे बताइएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, थोड़ा मेरे करीब वाल को बोले, मेरा माइक लगा हुआ है यहाँ पर, आपकी आवाज़ यहाँ से जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमारी होली कम्युनियन होती है, जिसे ठीक है रस्म भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है भाई? उसमें बकायदा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ठीक है अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया था, वो जो 12 जो 12 शागिर्द थे उनके उनके साथ जी। ठीक है, जिन रस्म अदा की जाती है। अच्छा, वो रस्म अदा की जाती है। अच्छा, ये जो पीछे जो लगी हुई है स्लीव, इसमें हीरे लगे हुए थे। हाँ जी, डायमंड्स, डायमंड्स से, और वो चुराए गए थे यहाँ। चुराए गए, और उसके बाद कीमती बर्तन थे यहाँ पे,
वो चुराए गए। अच्छा, उसके बाद ये डैमेज हुआ पाइप ऑर्गन। अच्छा, पाइप ऑर्गन ये जो हमने देखा, ठीक, गुड। काफ़ी कोशिश की है इसे। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है ये जो गुब्बारों का है? ये कल इधर रफाकते ख़वातीन की मीटिंग थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी संडे को वो थी, सालगिरह भी थी, बर्थडे थी। अच्छा, वो सेलिब्रेट हमने किया। अच्छा, अच्छा। वो यहाँ बैलून लगे थे तो अभी मैंने ये साइड में रखे हैं। अच्छा, बाकायदा सफाई होगी। अच्छा, ये उठा दिए। अच्छा, और ये जो टेबल चेयर है, बिशप ऑफ कलकत्ता की चेयर है। अच्छा, बिशप ऑफ कलकत्ता की चेयर है। अच्छा जी, कैथीड्रा भी बात है। कैथीड्रा मेरे करीब अगर बताएं तो बड़ी तारीखी चीज़ है। अच्छा, ये जो चेयर है ये कलकत्ता के जो है ना वो बिशप, और कितनी पुरानी है ये तकरीबन? ये सर उसी दौर की है, तकरीबन 160 साल से भी पुरानी है। अच्छा, ये डेस्क भी उतनी ही पुरानी है? डेस्क भी उतनी है। अच्छा, ये जी टेबल और डेस्क 160 साल पुरानी है और कलकत्ता के बिशप इसे इस्तेमाल किया करते थे, यूँ कह रहे कि यहाँ वो विजिट पे आते थे यहाँ पर। जी हाँ। अच्छा, जब भी वो विजिट पर यहाँ आते थे ये चेयर और ये जो है टेबल जो है ये इस्तेमाल, डेस्क जो है ये इस्तेमाल किया करते थे। ये नहायत ही एक नादिर चीज़ है मेरे ख्याल है, और अब कोई नहीं बैठता इस पर? नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसे भी अगर हमारे यहाँ के बिशप आते हैं वो बैठते हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब ये बिशप के लिए है, मतलब बिशप के अलावा कोई नहीं बैठ सकता? मखसूस है ये चीज़। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ एक जो है वो ये इंडियन है। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? एक कहाँ का जी बना हुआ, आपकी नज़र ठीक है, ज़रा आए आगे पढ़ेंगे। पढ़ो नौजवान, ये कहाँ का लिखा हुआ है? पढ़ो पढ़ो, नहीं कैमरे में नहीं आओगे आप? रोज एंड क्लोज। मोबाइल की लाइट जला लो बेटा। ये जी बॉम्बे का बना हुआ है। बॉम्बे का, ये बॉम्बे का बना हुआ है और ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है रोज एंड कंपनी बॉम्बे और इम्पोर्टर्स एंड एजेंट्स। अच्छा, ये उस दौर के इम्पोर्टर्स थे, तो ये अभी काबिल इस्तेमाल है? ये सिर्फ इसका एक पैडल ख़राब हुआ है। अच्छा, बकाया ये ठीक है, चलता है। ये बता बजेगा? ये ज़रा पकड़ो बेटा इसको, ये अब भी काबिल इस्तेमाल है जी, 150 साल गुजरने के बाद भी। इसे कहते हैं चीज़ों की हिफाजत करना। आपने जो है ना वो चीज़ों की हिफाजत की हुई है। अच्छा, यहाँ मुझे एक जो है ना वो एक तख्ती भी लगी नज़र आई थी, ये 1864 की है। अच्छा, मैं यहाँ इधर तक आ जाऊँ जी? आ जाए। ये जी तख्ती जॉन पैटर्न डेविडसन, ये मेरे ख्याल इफ्तिताह की तख्ती है इसकी ना? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह 13 नवंबर 13 नवंबर 1864 जनाब, तो 13 नवंबर 1864 को इस चर्च का जो है वो बाकायदा इफ्तिताह किया गया। अच्छा, ये जो साइड रूम्स होते हैं इनका क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा? ये हमारे पास्टर साहब के लिए होता है, ये वो ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। जैसे इबादत पे आते हैं वो इस डोर से आएंगे। ओके, और फिर वो अपना ड्रेस पहनेंगे बकायदा। अच्छा, जो बात अच्छा, इस यहाँ से नहीं आएंगे, इस मेन गेट से नहीं आएंगे, इधर से आएंगे जी? ठीक है, गुड हो गया। और फिर यहाँ अगर जो है वो जो उनका जुब्बा या चोगा जो पहनते हैं, जो पहनते हैं हाँ, ये वो अच्छा हाँ है, मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ये जो है वो जो पोस्टर साहब हैं वो ये सामने वाले दरवाजे से अंदर आते हैं जब इबादत के लिए आएँ, और ये वो चोगा है जो वो ज़िबतन करते हैं और उसके बाद इबादत की मैं तो कहूँगा सरबराही करते हैं, बल्कि लोगों को इबादत कराते हैं। गौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपने जो है वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और ये एक और एक तख्ती लगी हुई है, ये क्या है अपना गौरी साहब? ये उसी दौर की लिखी है, जो लोग यहाँ पे रह के जा चुके हैं ये उनकी नंबर प्लेट्स हैं। अच्छा, ये क्या है? ये मतलब जो रह के गए हैं या जिनकी डेथ हुई है, पैदाइश हुई है। अच्छा, ये उनकी प्लेट्स लगी हुई है। ओके, एक ही प्लेट है? नहीं, और भी हैं, डिफरेंट हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा,
मतलब ये कि जो है वो जाने वालों को भूले नहीं। अच्छा, ये एक एक और प्लेट लगी हुई है जी। बात है कि अभी तक जो वहाँ उस दौर के लोग जो थे, जिनकी डेथ हुई, बच्चे डेथ जिनकी डेथ हुई, उनके वो अभी तक उनका विजिट करने आते हैं उनकी कब्रों पे। अच्छा जी, यहाँ कब्रें मौजूद हैं एबटाबाद में। जी, एबटाबाद गोरा कब्रिस्तान, गोरा कब्रिस्तान में, और अब भी आते हैं वो। बेशक भी आते हैं, यूके से आए या इंग्लैंड से आए। बकायदा मैंने तो वहाँ का जो हमारा केयर टेकर है कब्रिस्तान का, वो मुझे बता रहे थे कि एक फॉरनर आए थे। अच्छा, जिनके पास बकायदा नक्शा था। अच्छा, और उन्होंने जगह की शिनाख्त की है कि भाई ये जगह वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, मिट्टी का एक ढेर था। सही, फिर भी उन्होंने कहा कि नीचे एक कब्र होगी बच्चे की। अच्छा, वो उन्होंने फिर खुदाई करवाई वहाँ से, और बकायदा वहाँ से छोटी सी कब्र निकली और बकायदा ऊपर स्लेट लगी हुई। अच्छा, मतलब वो मिट्टी के नीचे जा रहे पुराने शहर, पुरानी चीजें जो है वो अमानतन रखवा के गए हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने आके अपनी अमानत ले ली, तो फिर वो वापस ले गए, वहाँ वापस ले गए डेड बॉडी, फिर वो इंग्लैंड ले गए, यूके ले गए। जी, वाह जी वाह। मतलब ये भी जो है वो अमानत का तसव्वुर, मेरा ज़ाती ख्याल ये था, ये मेरी इसको कल वो कम इल्मी कह लें, मेरा ख्याल ये था कि अमानतन दफन करने का जो रिवाज है वो सिर्फ हम मुसलमानों के यहाँ है, लेकिन आज यहाँ आकर पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी मजहब का कोई भी शख्स अगर किसी को अमानतन दफन करता है तो ज़मीन उसे खाती नहीं। ये एक ख़ास बात है। गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खुशी की बात ये है कि इस चर्च को उसी तरह संभाल कर रखने की कोशिश की गई है जिस हालत में ये था। पुराने नक्शो नगार अब भी मौजूद हैं, पुरानी यादें अब भी मौजूद हैं। ये ढंग होता है अपनी तारीख को संभाल कर रखने का। और इस चर्च में मुझे ये एक ख़ास बात नज़र आई कि इसे बाकायदा संभाल कर रखा हुआ है। यहीं इसी चर्च में खड़े होकर, इस सलीब के सामने खड़े होकर, मैं अपने तमाम ईसाई भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पर जो है वो मुझे यहाँ जिन लोगों ने आने की इजाज़त दी, जिन लोगों ने शूट करने की इजाज़त दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही अपने मुसलमान भाइयों से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि एहतराम करें, सब का एहतराम करें, क्योंकि ये दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है कि जी को जी है। आप किसी का एहतराम करेंगे, लोग आपका एहतराम करेंगे। आप किसी को तू करके बुलाएंगे, वो आपको कभी आप नहीं कहेगा। दूसरे के मज़हब का एहतराम करेंगे, वो कभी आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे के मज़हब को, उसकी इबादतगाहों को, उन लोगों को बुरा कहेंगे, तो यकीनन उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं दूँगा आपको हिंदुस्तान की, जहाँ हमारी मस्जिदें, आपकी मस्जिदें शहीद की जाती हैं, गिराई जाती हैं, तजलील की जाती है। उन यूरोपी मुल्कों की मिसाल दूंगा जहां आपकी मुकद्दस किताब नज़र आतश की जाती है, तौहीन की जाती है, हमारे नबी की तौहीन की जाती है। मैं यही कहूंगा कि ये हमारे अमाल का नतीजा है। आप दूसरे का एहतराम करें ताकि वो आपका एहतराम करें। आज के लिए मेरा पैगाम यही है। उम्मीद है कि मेरी बात बुरी लगने के बजाय आपके दिल को लगेगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।